क्योंकि इसीलिए ग्रंथों का निर्माण होता है। और होता क्या है, समय बीतता गया, उस वैश्या से उसके 9 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन उस गांव में कुछ संत आए, रात्रि का समय हो गया। संतों ने गांव में लोगों से पूछा, क्या कोई यहाँ भक्त रहता है? लोगों ने उनसे व्यंग किया और कहा कि हाँ, इस गांव में अजामिल नाम का भक्त रहता है, आप लोग वहां चले जाओ। और सब संत गए हैं, और जैसे ही गए तो वो तो था नहीं, वैश्या थी। तो वैश्या जो है देखा, प्रणाम किया और कहा कि आपको किसी ने गलत बताया महाराज, ये वैश्या का घर है। संत लौटने लगे तो रोने लगी, मेरे पता नहीं किस जन्म का पुण्य हुआ हुआ, इसमें महापुरुष दरवाजे में आए और वापस जा रहे। प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकती, पर सूखा अन्न दाल आदि दूंगी, आप बनाकर पाओ। संतों ने सोचा, पुण्यात्माओं को तो सभी पवित्र करते हैं, पर आज एक पापी की सदगति करना, रुक गए। सब ने भोजन बनाया, प्रसाद लिया और रात्रि में अजामिल लाया। संतों को लेटा हुआ देखकर डांटने लगा, अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? सब संत तो डर गए। उसी समय वैश्या आ गई और पत्नी ने कहा कि अरे क्यों डांट रहे हो संतों को? और जैसे पत्नी को देखा तो शांत हो गया। पति कितना भी क्रोध में हो और पत्नी यदि सामने आ जाए तो शांत हो जाता। बोलो राजा, जैसे शांत हुआ, तान संतों को प्रणाम करो, तो पत्नी के कहने पर प्रणाम किया, संतों को प्रसाद पवाया है। और उन्होंने कहा कि अजामिल कुछ दक्षिणा दोगे विदाई? तो मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, आप जो ये चमीता और जो लोटा लिए हुए हैं, कमंडल लिए हैं, ये मैं आपका नहीं छुड़ा रहा हूँ, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। बोलो राजे, अन्यथा ले ही न बासन बसन चुराई। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो दक्षिणा क्या देता, तुम जो लिए हो भी छुड़ा देता। संतों ने कहा, हमको तुमसे धन दक्षिणा पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9। 10वां पुत्र होने वाला गर्भ में, हमको केवल ये दक्षिणा दो, इस पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है, कोई बड़ी बात है। संत इतना कहकर चले, क्योंकि संत जानते थे जिसको बताएंगे कथा सुनो कीर्तन करो तो होगा नहीं, क्योंकि इतना पाप हो गया। और आज से उसने कहा, मैंने आज ही इसका नाम नारायण रख दिया। तो चलते फिरते उठते बैठते नारायण का जन्म होने वाला है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभन हेलन के हुआ, संकेत में हंसी में किसी प्रकार नाम जप हो कल्याण होता है। और जब उसका जन्म हो गया तो प्रतिदिन उसका नाम लेने लगा, दिन में हजारों बार नारायण नारायण कहता। धीरे धीरे उसके पुण्य उदय होने लगे, पाप नष्ट होने लगे, क्योंकि नारायण नाम तो भगवान का है। इसलिए आज भी अपने बच्चों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि हमारा कल्याण। चिंटू पिंटू रिंटू, इनसे कल्याण नहीं होगा। नारायण वासुदेव केशव गोविंद गोपाल, ऐसे नाम रखिए, ये हमारी संस्कृति है। अंत में जिस समय मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, भयंकर यमदूत आ गए और चिल्लाने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। वो बालक तो क्या बचाएगा, भगवान के दूत आ गए और ले गए पकड़ कर सज्जनों। यमदूतों से भयंकर संवाद हुआ। अंत में यम ने कहा कि जहां पर भगवान का भक्त हो कीर्तन करने वाला, तुम वहां भूल कर मत जाया करो। और होता क्या है, सीधा भगवान नारायण के वैकुंठ में अजामिल गया। इसलिए कहा गया है कि भाव कुभाव अनकयाल बैठते चलते फिरते
जो भगवान का नाम जपता है उसका कल्याण होता है। देखिए भगवान नाम के महत्व से अजामिल जैसे दुष्ट का कल्याण हो गया। इसके बाद वृत्तासुर का चरित्र है, कुंचूर्ण व्रत का विधान है और सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर नारद का संवाद है जिसमें प्रहलाद जी के पावन चरित्र का वर्णन है। एक समय की बात है, राजा हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया था क्योंकि उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को महाराज भगवान ने मार दिया। अब आप लोग धैर्य पूर्वक बैठिएगा, बहुत शीघ्र ही कथा का विश्राम करेंगे क्योंकि समय का व्यतिक्रम नहीं करेंगे। हरिओम बोलो राधे राधे। तो हिरण्यकशिपु एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया। शुक्राचार्य जी शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे और देखा कि हिरण्यकशिपु आ गया है तो बिगड़ ना जाए, इसलिए भगवान शालिग्राम को जल में पधरा दिया लोटे में, कहा आप निराकार हो जाओ। और जैसे हिरण्यकशिपु आया तो शुक्राचार्य जी ने अपने पुत्रों से कहा शंडापक से, लाओ लाओ इनको जल पिलाओ। तो हिरण्यकशिपु ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव वैसा जल तो रोज पीते हैं, आज अपने कमंडल का चरणामृत पिला दो। शुक्राचार्य जी ने जिसमें शालिग्राम पधराए थे वो चरणामृत पिला दिया है और उसके प्रभाव से आज जब गर्भाधान हुआ तो हरि भक्त प्रहलाद कयाधु के गर्भ में आए। और यहाँ हिरण्यकशिपु ने हजारों वर्ष तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो इसने वरदान में मांगा कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और ब्रह्मा के बनाए किसी भी व्यक्ति से मैं ना मरूं, क्योंकि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कर्मण्यावादि गारस्ते मा फलेषु कदाचना, और फल देना परमात्मा का कर्म है। और जब व्यक्ति लग्न से कर्म करता है, प्रयास करता है, तो उसका फल भी उसको मिलता ही है। इसलिए ऐसा वरदान दे दिया और जैसे ही वरदान पाया तो अहंकार में आकर के चारों तरफ उत्पात करने लगा। हुआ क्या, चौथा पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ जो नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी का हरण इंद्र कर रहे थे और इंद्र से कयाधु को छुड़ाकर नारद जी आश्रम में गए। जिन माताओं को अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाना है या राष्ट्र की रक्षा करने वाला सैनिक बनाना है या किसी भी पद में भेजना है, तो जिस समय माता गर्भवती होती है उस समय उसको ये शिक्षा देना चाहिए, अपने कमरे में, अपने आवास में उस प्रकार की तस्वीरें लगाना चाहिए। आपने सुना होगा अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह का वेतन प्राप्त कर लिया। जिस समय माता गर्भवती माता जिस प्रकार का विचार रखती है वैसे ही संतान का जन्म होता है। प्रहलाद को संगमर्मर के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है और क्या कहते हैं कि हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए। हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रयास किए पर प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए थे। एक दिन सभी बालकों को बैठा दिया और कहा कि हे बच्चों पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद।